उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जनपद में खोए हुए मोबाइल फोनों के मिले प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रवान के निर्देशन में सर्विलांस टीम व एसपी क्राइम मुकेश प्रताप द्वारा अभियान चलाकर जनपद व गैर जनपदों से लगभग 42,218 मोबाइल बरामद किए गए। कप्तान ऑफिस में मोबाइल स्वामियों के सुपुर्दगी में दिए गए। बरामद करने वाली टीम ने सर्विलांस टीम के रामगोपाल शर्मा, मोहित कुमार, विपिन कुमार, विकास सिंह, आलोक कुमार, सचिन कुमार, अजय चौधरी मौजूद रहे। कप्तान ने सर्विलांस टीम के लिए 25,000 के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की। आपका आपको मोबाइल मिला है पुलिस के द्वारा, जो है क्या कहना चाहते हैं पुलिस के लिए? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कैसे हुआ था मोबाइल? ये मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरे जेब से मतलब गिर गया था जी। कितने समय बाद मिला है? लगभग 11 महीने बाद मिल गया। वो ये मोबाइल आपको जो मिल गया? ये मोबाइल। तो पुलिस को क्या कहना चाहते हैं आप, जो आपको बरामद करके दिया मोबाइल? बहुत बढ़िया है, धन्यवाद उनका, शुक्रिया। देखिए, लोगों के मोबाइल अलग अलग फंक्शंस में या कहीं गुम हो जाते हैं तो लोग यहाँ पे आकर के सर्विलांस सेल से उसको ट्रेस करने के लिए देते हैं एप्लीकेशन। तो पुलिस उससे काम करती है, ट्रेस करती है और लोगों को उसको देती है। तो आज लगभग ये 218 मोबाइल जो है जो पब्लिक के गुम हुए थे और जिसकी शिकायतें पुलिस के पास पहुंची थी, उनको ट्रेस करके आज सभी को दिया जा रहा है। कुछ मोबाइल लोगों को पहले दे दिए गए हैं, कुछ लोगों को अभी दिए जा रहे हैं। जो आज लोग उपस्थित नहीं है जिनके ट्रेस हुए, उनको भी बात करके बुलाया जा रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। तो कुल ये 218 मोबाइल है जो आज सर्विलांस सेल ने बरामद किए और सभी लोगों को दिए जा रहे हैं।